घरोंडा के बरसत सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्किल लैब स्थापित की गई है। लैब कैटमैन की ओर से स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है। इसमें 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को ब्यूटी एंड वेलनेस और रिलेटिंग पढ़ने का मौका मिलेगा। लैब का उद्घाटन करनाल सांसद संजय भाटिया ने किया। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि स्किल्ड बच्चों को मैं भारत की भविष्य के रूप में देखता हूं। परंपरागत पढ़ाई से रोजगार कम हो गया है, इसलिए अपनी पढ़ाई के साथ वोकेशनल कोर्स कर नए तरीकों के साथ विद्यार्थी ज्यादा सीख सकता है। उन्होंने रूस से आए पावेल मानव रचना और नेशनल स्किल का आभार जताते हुए कहा कि इनका लक्ष्य हरियाणा के 1000 गाँवों में इस तरह की लैब बनाने का है। स्किल्ड होने के बाद बच्चों को रोजगार सृजन में मदद मिलेगी, सीखे हुए बच्चों को तुरंत रोजगार मिलेगा। उन्होंने शिक्षा में बदलाव को लेकर कहा कि सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से विभाग बना दिया है। बेहतर शिक्षा के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है, लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल व मंत्री अनिल विज के बीच विवादों के सवाल पर उन्होंने कहा कि दोनों ही नेता मेरे से सीनियर हैं, उनके बारे में वह कुछ नहीं कह सकते, इसलिए जितना विवाद मीडिया के स्तर पर दिखाया जा रहा है उतना ग्राउंड लेवल पर नहीं है। उन्होंने माना कि पब्लिक में इससे अच्छा मैसेज नहीं दिया जा रहा है। टोल टैक्स बैरियर को लेकर उन्होंने कहा कि वे इस बारे में संसद में आवाज उठा चुके हैं। टूटी हुई सड़कों का टोल तो लिया जा रहा है पर सुविधा नहीं दी जा रही। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए काम करने वाली कंपनी का ठेका रद्द किया व अब दूसरी कंपनी के माध्यम से काम शुरू हो गया है। टोल बैरियर 60 किलोमीटर के गैप में होना चाहिए। बस्ताड़ा टोल टैक्स बैरियर को लेकर उन्होंने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से उनके व्हाट्सएप पर एक पत्र आया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार टोल प्लाजा को बस्ताड़ा में शिफ्ट किया गया था। उन्होंने माना कि टोल टैक्स बैरियर से लगने वाले जाम से वाहन चालक परेशान होते हैं, वह खुद भी इसके भुक्तभोगी हैं। सांसद ने उपस्थित विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया और उनकी परेशानियों को पूछा। देखिए घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। मैं देखता हूँ इसमें भारत के भविष्य को। आज जिस तरह का हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन थी उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम हो गया था। आज हम पर्टिकुलर एक फील्ड में वोकेशनल कोर्स, अपनी पढ़ाई रेगुलर स्टडीज के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज और वो नए मेथड्स हैं, जो एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया है हमारे रशियन मित्र हैं मिस्टर पावेल और मानव रचना वाले और हमारे नेशनल स्किल वाले माथुर जी, ये तीनों इकट्ठे इनके योगदान से ये एक 1000 विलेजेस का इन्होंने टारगेट लिया है ऑल ओवर कंट्री, हरियाणा ऑल ओवर, वेरी थैंक यू। 1000 गांव का पूरे हरियाणा में ऐसी लैब बनाकर बच्चों को उनका भविष्य बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसका बड़ा योगदान रहेगा। आज कंपनीज के अंदर इस तरह के कोर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऐसे सीखे हुए बच्चे जाएंगे तो उनको तुरंत रोजगार। More than 10 times, and I see very big potential in Indian students, and I see very strong community of open source and makers community. And I have very strong opinion that if India will be lucky to build good, strong community of technology enthusiasts, we will use open source technologies both for software and for hardware. India has very good chance to be economic number one. How much time you are spending in India about related to your labs? I usually come at winter because I don't like Russian climate. And I like and India what is climate. Your future plan about another opening lab in another city and another state? Yesterday we meet skills development minister, so we are discussing after you can plan plan of making network of robo classes in Indian schools and network of robo clubs, and we are looking forward to have a strong partnership with Manav Rachna. JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।